नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये ऑनलाइन प्रोग्राम लेने के लिए। जैसे मैं बहुत सालों से सोचती थी कि मैं नेचुरोपैथी का कोई शिविर अटेंड करूं और वहाँ के ट्रीटमेंट लूं, पहले से ही मुझे अट्रैक्शन था, लेकिन कभी हो नहीं पाया, कभी बच्चों का ये वो ऐसे करते करते रह गया। लेकिन अभी जब मालूम हुआ कि ऑनलाइन हुआ है, मतलब पहले मैंने कंसल्टेशन लिया था सर से, फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डिटॉक्स प्रोग्राम है तो आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन पहले तो मैंने मना कर दिया। करिश्मा, डॉक्टर करिश्मा का भी फोन आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा ये फास्टिंग, घर पे रह के और फिर घर का काम भी करना है, फिर इतने जूसेस बनाना है ये। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आप करके देखिए मैडम, हो जाएगा, हमारे डॉक्टर सपोर्ट करेंगे, आप कर पाओगे। चलो सोचा चलो करते हैं, जितना बन पाया उतना करते हैं। लेकिन शुरू करने के बाद ऐसा कभी लगा ही नहीं, मतलब कि बल्कि उत्साह बढ़ते गया करने के। ऐसे जैसे रात को सोते समय सुबह जल्दी कब उठना है, योगा ज्वाइन करना है, इसके बाद फिर ये लेक्चर सुनने हैं, ऐसे दिन भर बहुत उत्सुकता रहती थी। बहुत आनंद आता था, हर ट्रीटमेंट में आनंद आता था, मतलब फुल्ली पूरा मन से, मतलब लगभग 90% अटेंड किया मैंने। और इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया, मेरे साथ उन्होंने भी डिटॉक्स प्रोग्राम किया पूरा, मतलब अभी हम दोनों ही हैं, तो फिर मुझे इतना मुश्किल नहीं हुआ घर में कुछ बनाने को। पहले मुझे लग रहा था कि ये सब बनाना मुश्किल होएगा, लेकिन अच्छा लगा फिर। और मुझे इससे फायदे ये हुआ कि पहले मैं फास्टिंग से बहुत डरती थी, मतलब कोई भी फास्ट करना नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो आपने जिस तरह से धीरे 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 करके, जिस तरह से आप फास्टिंग पे, आपके डाइट चार्ट ऐसा था कि जिस तरह से हमको लेके गए आप जूस फास्ट तक, तो पता ही नहीं चला, मतलब कभी ऐसे लगा नहीं कि हाँ भूख लग रही है, खाली पेट है, एसिडिटी हो रही है, वीकनेस आ रहा है। अनुभवकारी है अनुभव, तो अपना कुछ तो इस तरह से पूरा, मतलब मुझे लगा नहीं मैं कर पाऊंगी इतना पूरा 10 दिन, लेकिन पूरे मतलब 100% फॉलो करके मैंने पूरा किया। उसमें नए नए आपने जैसे बताया कि वैसे नए नए व्यंजन, मतलब इस तरीके के, कभी मैंने सिर्फ यही खाना है ऐसे साइड में सलाद वगैरह ले लेते थे, लेकिन पूरा यही खाना है तो इसको कैसे टेस्टी बनाया जाए, इसमें क्या क्या डाला जाए। फिर आपके रेस्ट्रिक्शंस थे, तेल नहीं डालना है, घी नहीं डालना है, मिर्च नहीं डालना है, फिर क्या डालो, तो उस पर सोचती भी रहती थी, कुछ कुछ क्रिएटिव चीजें करके मैंने पूरा खाना स्वादिष्ट बनाया, अच्छे से पूरा हो गया। मैं बाद में मुझे एनर्जी लेवल बढ़ गई मेरी, दिन भर उत्साह रहता था। पहले तो मुझे खाना खाने के बाद कई बार सुस्ती आती थी, खैर सोती, लेकिन ये जब किया तो मुझे एक बार भी सुस्ती नहीं आई, एक बार भी दोपहर में नींद नहीं आई, बल्कि सुबह जल्दी उठ के भी मैं पूरा मतलब कर पाई। दूसरा, मुझे जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे मुझे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मतलब शालो ब्रीदिंग ऐसा था, तो वो सिर्फ मेरी डॉक्टर थी गीता मैडम, तो उन्होंने एक छोटा सा एक उपाय बताया उस पर कि वो ऑयल कंप्रेशन, ऑयल लगा के पीठ पे आप गर्म से मसाज, ये उसको रख दो, मतलब गर्म था पानी की थैली, तो वो करने से मुझे तुरंत, मतलब 2 दिन में, 2 बारी किया मैंने अभी तक, लेकिन 2 दिन में 60%, पहले दिन उस समय बहुत रिलीफ हो गया था, लेकिन दूसरे दिन बढ़ गया कल, फिर उन वापस करो ऐसा करते, आज मेरा 60% रिलीफ है। और बैक एक भी था मुझे थोड़ा, तो बैक एक भी काफी 70-80% रिलीफ है मुझे उसमें, दो दिन में ही। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इसका, पहले इसके लिए मैंने दवाइयां भी ली थी, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ा। तीसरा बात है कि मुझे प्राणायाम और मेडिटेशन और ये रिलैक्सेशन टेक्निक जो बताई आपने सर ने, उससे बहुत मानसिक शांति, ऐसे एक अलग ही माइंड में ऐसे सुकून आए, जैसे शांत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
और आप लोगों के सारे जो लेक्चर, जो मैंने हर लेक्चर अटेंड किया, और सबके सब बहुत ही ज्यादा मतलब अपने बॉडी के बारे में जानकारी, रोग क्यों होते हैं, उसका कारण, उसका निवारण इतने अच्छे से समझाया सबने, तो ऐसे मतलब पूरा से दिमाग में बैठ गया, पूरा इतना फिक्स हो गया कि हाँ अभी ये लाइफ स्टाइल क्यों करनी है। जैसे अभी मैं और किसी को बोलने जाऊं तो मैं पूरा एक घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ कि ऐसे क्यों करना है, क्या करना है। तो इस तरह, और आप लोगों की विशेषता, आप लोगों की सारी टीम, और जो मतलब मेरी डॉक्टर थी गीता मैडम, वो उन्होंने डेली हर मतलब बराबर 9:30 बजे उनका फोन आ जाता था, फिर मुझे पूरा समझाती थी वो आज क्या क्या लेना है, कैसे लेना है। उसमें कुछ मुझे कठिनाइयां रहती थी, मतलब कुछ पूछना रहता था कि ये कैसे करूं, या ये मतलब गिलोय सत्व का पानी कैसे बनाऊं, तो पूरा डिटेल्स पूरा समझाती थी, इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। उसके बाद में अगर मेरे दिमाग में और कुछ क्वेश्चन आए तो उनको मैं मैसेज करती थी या कभी फोन करती थी, तो उसका भी मुझे तुरंत जवाब मिल जाता था। फिर आपके जो ऑनलाइन कंडक्ट करने वाले थे, उनको भी जब भी हमने कुछ वीडियो सारे मांगे, सब उन्होंने बिना देर किए सब सारे शेयर किए। बहुत ही अच्छे आपकी टीम सर, गुलाब सर, आपके सारे लोग, पूरी टीम, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जरूर एक बार मिलना चाहूंगी। बिल्कुल, आप तो अभी हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, हम आपको इतनी आसानी से तो ही नहीं छोड़ेंगे, हाँ? हम कैसे छोड़ सकते हैं? आपने लाभ लिया है, आपको ये लाभ निरंतर रहे, पहली चीज। दूसरा, जो आपने अपने दिनचर्या में परिवर्तन किया है, वो दिनचर्या में वापस से गड़बड़ मत कर दीजिएगा। नहीं तो तकलीफ किसको सहनी पड़ेगी, मुझे सहनी पड़ेगी, है ना? आप हमारे पास घूमने के लिए आना भोपाल, स्वस्थ तो आप घर पे हो गए, हमने आपको अपना डॉक्टर तो खुद ही बना दिया। कि अब आपने जैसे बोला ना, 1 घंटा अब मैं बता सकती हूँ कहीं पर भी, तो अब कार्य आपके लिए है। अब यही इन्फॉर्मेशन आप 10 लोगों को शेयर करो। हमारे संत जी, हाँ, हमारे संत जी हमेशा कहते थे, कर भला तो हो भला। आप अगर किसी, ये भावना संत जी की जो हम लोगों में, संत जी ने ये कूट कूट कर भरी हुई है, आप जब दूसरे के बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपके बच्चे शिक्षित होते हैं। अच्छा। आप जब किसी को, दूसरे को स्वास्थ्य देते हैं और उसके लिए मदद करते हैं, तो आपको हमेशा स्वास्थ्य मिलता रहेगा। तो अब आपको, आप तो स्वस्थ, आपने 10 दिन का कर लिया डिटॉक्स, अब आप 60-70% स्वस्थ हो गए, शेड्यूल तो 90% किया था। अब आप दूसरों को स्वस्थ करने में लग जाएंगे, तो आपका बाकी का जो रिमेनिंग 100% पूरा करने में 40% बचा है, वो अपने आप हो जाएगा, और फिर कभी आप बीमार नहीं होंगे। कहते हैं ना, अच्छी चीज हमेशा बांटनी चाहिए, और अच्छी चीज यही है कि आपने जो लाभ लिया है वो दूसरे लाभ ने, आपके आपके घर में, जैसे आपने कंपनी ली अंकल की, ली ना, आप तो सबसे, आप आपका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ही तो बना के खिलाओगे अंकल को। आपने अच्छे से बना के खिला दिया, तो आपका स्वास्थ्य भी, अंकल का स्वास्थ्य, दोनों का ठीक रहेगा, और परिवार सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इसी मंगल कामना से आप ये प्रण करें, जो भी परिवर्तन, जो भी मैं सीखी हूँ, वो पूरी तरह से अब मैं निरंतर फॉलो करूंगी, और इसके बाद में कभी भी शरीर को तोड़ने वाले नियम नहीं अपनाऊंगी, बनाने वाले नियम से ही अपने आप को स्वस्थ रखूंगी। जैसे गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी एक बार तो सर्विस हो गई है, पर साल में 2 बार सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। तो आप आ सकते हैं तो बेहतर, नहीं आ सकते तो हम आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। अच्छा। है ना, जैसा मैंने आपको बोला, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार से तो आप कभी भी बात कर सकते हैं, फिर चाहे डॉक्टर से बात करें, चाहे हमसे करें, कभी भी मिल सकते हैं आप। ठीक है, पर इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, उसकी मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।